किया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से पिछले 5 साल में मैंने मेहनत शुरू किया है और मेरे क्षेत्र की जनता का प्यार मिला है, पार्टी नेतृत्व का जो स्नेह मिला है, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में भी मुझे इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र के जनता का हर कार्यकर्ता का स्नेह और प्रेम भाव मिलेगा। सर, क्या चुनौती मानते हो आप? मैं ये समझता हूँ कि चुनौती के बाद जहाँ तक है कोई बड़ी चुनौती मेरे सामने दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्य है और मैंने इस क्षेत्र में जो सेवा की है और हमारी पार्टी का जो बेस लेवल के ऊपर बूथ लेवल के ऊपर काम है, मेरे कार्यकर्ताओं का साथ है, मेरे पूरे ज़िले के नेतृत्व का, पूरे ज़िले के हमारे नेताओं का जो मुझे साथ मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि चुनौती नाम की कोई चीज़ नहीं है और हम अच्छी तरह से इस निर्वाचन में चुनाव में सफल होंगे। पहली प्राथमिकता मेरी पहली तो ये रहेगी सबसे पहले कि हमने यहाँ ब्रॉडकास्ट का काम करवाया है और उस पर लगभग काम पूरा हो चुका है। रिंगस से जयपुर का काम भी कम्प्लीट होने वाला है। मैं अपने क्षेत्र को लंबी दूरी की गाड़ियाँ दूंगा और उसके बाद में हमारे यहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। यमुना जल का जो MOU हमारा हुआ है हरियाणा के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी उस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि वो शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए पानी देंगे। दूसरा मेरा मुख्य मुद्दा होगा कि मैं यमुना जल को पेयजल के रूप में अपने क्षेत्र में लेकर के आऊँगा। खेल के क्षेत्र में भी मैं युवाओं के लिए कोई अच्छा काम करूँगा, स्टेडियम का विकास और तहसील स्तर पर भी विकास। इस प्रकार से मेरे ये 2-4 प्रमुख काम होंगे, बाकी जो भी जन समस्याएँ होंगी उन जन समस्याओं के लिए, जनता के कार्यों के लिए मैं हमेशा समुद्रित रहूँगा।